हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कहां से आए थे ताजमहल बनाने वाले मजदूर और उन पत्थरों का आखिर कहां से हुआ था इंतजाम। चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। वेल दोस्तों, आखिर कहां से आए थे ताजमहल बनाने वाले मजदूर और पत्थरों का तो कहां से हुआ था इंतजाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल मुमताज की याद में बनवाया था। दुनिया के सात अजूबों में शामिल इस मकबरे को बनाने के लिए तकरीबन 20,000 मजदूरों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन कभी मन में आपके सवाल जरूर आया ही होगा कि आखिरकार ये मजदूर कहां से आए थे, है ना? या ये सवाल भी आपके मन में आया ही था ना, और इन्हें कहां से बुलाया गया था। तो चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में, आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा। ताजमहल बनाने में इन पत्थरों का हुआ था इस्तेमाल। यूपी के आगरा में स्थित ताजमहल भारत की सबसे खूबसूरत इमारतों में आता है, जिसे बनाने के लिए लाल पत्थर और सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। बता दें कि इस इमारत को सात अजूबों में से एक कहा जाता है। दुनिया भर से आते हैं लोग इसे देखने वाले, न केवल देश से आते हैं बल्कि विदेश से भी आते हैं। यहाँ आने वाला हर पर्यटक की इस सफेद सफेद इमारत को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती है। ताजमहल दुनिया के सबसे चर्चित स्थलों में से एक है। मुगल साम्राज्य के शासक में बनवाया गया था ये। पांचवें मुगल साम्राज्य के शासक में इस इमारत का निर्माण करवाया गया था, जिन्होंने 1526 से साल 1761 तक देश में राज किया था। इसी बीच उन्होंने ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया था, जो कि वर्ष 1653 में बनकर तैयार हो चुका था। ताजमहल को बनाने में खर्च हुए थे इतने सारे पैसे। दोस्तों, आपको बता दें कि ताजमहल का निर्माण में तकरीबन 20,000 से भी अधिक मजदूरों की मदद ली गई थी। इमारत को बनाने में तकरीबन 3.2 करोड़ रुपए का ज्यादा खर्च आया था। बेशकीमती पत्थरों को अफगानिस्तान, मिस्र, रूस, तिब्बत, ईरान जैसे देशों से लाया गया था, और जिसके बाद ताजमहल को बनाया गया था। कन्नौज से आए थे मजदूर। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अधिकतर मजदूर कन्नौज के हिंदू थे। वही इसमें राजमिस्त्री, पत्थर काटने वाले, बढ़ई, चित्रकार और अन्य कारीगरों को मुगल साम्राज्य, मध्य एशिया और ईरान से बुलाया गया था। तो वही फूलों की नक्काशी के लिए यहाँ से आए थे मजदूर। फूलों की नक्काशी के लिए मजदूरों को पोखरा से बुलाया गया था। यही नहीं, इमारत के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। साथ ही बगीचे बनाने वाले के लिए कश्मीर के रामलाल को बगीचे बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय? क्या आपने ताजमहल से जुड़े इन तथ्यों के बारे में कभी जाना है, और ताजमहल से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।